23 फरवरी 1878 का दिन, शेगांव के दो सज्जन बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी रास्ते से जा रहे थे। वहीं पर देवीदास नाम के एक मठाधिपति के घर समारोह चल रहा था। वहां आए हुए सभी लोगों के लिए भोजन का आयोजन भी किया गया था। खाने के बाद झूठे पत्तल घर के बाहर रखे हुए थे। उस समय एक सिद्ध पुरुष उन झूठे पत्तलों में से चावल खा रहे हैं, ये देखकर बंकटलाल और दामोदर पंत को आश्चर्य हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि अगर ये भूखे हैं तो भोजन की थाली मांग सकते थे और देवीदास भी इन्हें भोजन दे ही देते, लेकिन ये बाहर पड़े हुए झूठे पत्तलों से खाना क्यों खा रहे हैं? ये बात सोचकर बंकटलाल ने देवीदास से भोजन लाने के लिए कहा। देवीदास ने भोजन लाकर दिगंबर पुरुष के सामने रख दिया। तब वो महात्मा भोजन में दिए हुए सारे पकवान एकत्रित कर खाने लगे। उनके लिए वो झूठा खाना और स्वादिष्ट पकवान एक समान ही थे। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उनका भोजन होते देख बंकटलाल उनके लिए पानी का लोटा लेकर आए। तब उन्होंने देखा कि वो सिद्ध पुरुष गाय और अन्य जानवरों के कुंड में से ही पानी पी रहे थे। बंकटलाल ने उनसे कहा कि मैं आपके लिए स्वच्छ और ठंडा पानी ला ही रहा था, पर आप ये गंदा पानी क्यों पी रहे हैं? तब उस सिद्ध पुरुष ने जवाब दिया कि जहां सृष्टि के कण कण में ब्रह्म का वास है, वहां शुद्ध अशुद्ध सुगंध दुर्गंध का कोई भेद नहीं है। ये पानी भी ईश्वर है और पीने वाला भी ईश्वर है। उनके ये अमृत वचन सुनकर बंकटलाल और वहां खड़े सभी लोगों को ये समझ आया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि कोई तेजस्वी संत महात्मा है, और वो थे संत श्री गजानन महाराज। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को वो महाराष्ट्र के शेगांव में प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि पर श्री गजानन महाराज प्रकट दिन मनाया जाने लगा। उस दिन बंकटलाल गजानन महाराज को अपने घर ले गए और उन्हें स्नान आदि कराकर उनकी पूजा की। बंकटलाल उनके निस्सिम भक्त बने और देखते ही देखते शेगांव के लगभग सभी लोग उनके भक्त बन गए। गजानन महाराज सदा गणिगण गणात बोते इस मंत्र का जाप करते थे। एक बार कुछ भक्तों ने उनसे इस मंत्र का अर्थ पूछा। तब उन्होंने कहा, गणि यानी विचार करना या समझ कर लेना, गण मतलब जीवात्मा, गणात यानी जीव ही परब्रह्म है, और बोते मतलब इसी का जय जयकार करो, अर्थात शरीर में वास करने वाला जीवात्मा परब्रह्म से अलग नहीं है, इस बात का चिंतन करो। उनकी ऐसी कई शिक्षाओं के साथ ही शेगांव के लोगों ने उनके अनेक चमत्कार भी देखे हैं। एक दिन बंकटलाल और गजानन महाराज गांव के कुछ लोगों के साथ मकई खाने के लिए खेत में गए थे। तब मकई भूंजने के लिए उन्होंने छोटी सी आग जलाई। आग के धुएं की वजह से मधुमक्खियों के छत्ते से सारी मधुमक्खियां बाहर निकली। उन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, पर महाराज उसी स्थान पर चुपचाप बैठे रहे। एक भी मधुमक्खी ने उनके शरीर को छुआ तक नहीं। ये देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ही एक दिन अकोला जिले के आड़गांव में उन्होंने एक पूरा सूखा कुआ चंद पलों में जल से भर दिया था। तो एक दिन अपने तीर्थ से किसी जानवर को बीमारी से मुक्त किया था। इसी तरह गांव में रहने वाले बीमारियों से पीड़ित एक सज्जन महाराज ने दिया हुआ आम खाकर तुरंत ही ठीक हो गए थे। एक बार जब प्लेग रोग फैला हुआ था, तब महाराज ने प्लेग से पीड़ित पुंडलिक भोकरे की बगल में अंगूठा लगाते ही उनकी बीमारी कम होने लगी और देखते ही देखते वो प्लेग रोग से मुक्त हो गए थे। उनके भक्तों ने कई बार उन्हें कपड़े, गहने, पैसे भी दिए, लेकिन गजानन महाराज ने कभी भी ऐसी चीजों का स्वीकार नहीं किया। वो अक्सर दिगंबर अवस्था में ही रहते थे। इस प्रकार अनेक लोगों ने श्री गजानन महाराज की लीलाओं का अनुभव किया। श्री गजानन महाराज जी ने शेगांव में रहकर अपने भक्तों के विघ्नों का नाश किया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपना अवतार कार्य खत्म होने आया है, तब उन्होंने
अपने सारे भक्तों को इस बात से सूचित किया और 8 सितंबर 1910 को श्री गजानन महाराज शेगांव में ही समाधिस्थ हो गए। आज भी बड़ी संख्या में भक्त शेगांव में बसे उनके मंदिर में दर्शन लेने जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं।